मॉर्निंग माय डियर पीपल टीचर्स ऑफ बीएड सेकंड ईयर सब्जेक्ट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एंड द टॉपिक टुडे इज डिमेरिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म के नुकसान क्या है? पहले अपन ने किया था मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, दूसरा किया था उसके लाभ क्या है, मेरिट्स क्या है या एडवांटेजेस क्या है। आज हम कर रहे हैं इससे नुकसान क्या है। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कई भाषाएं जानना। ऐसा समाज जिसके अंदर कई भाषाएं चलती है या ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है उसको कहते हैं मल्टीलिंगुअल। तो डीमेरिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, नाउ वी शैल थिंक अबाउट दीज डीमेरिट्स। फर्स्ट, you might struggle to get along in monolingual society. Second thing we will discuss about, there might be a lack of skilled educator in your society. And third, it requires complete immersion in the language to be effective. And fourth, studying a new language can shift focus of a student. And fifth, multilingualism can lead to a fewer relationship. And sixth, your parents use the secondary language to communicate that you don't know. And you can start mix the different languages in your communication. First point, you might struggle to get along in monolingual society. Suppose you are मल्टीलिंगुअल, मतलब तुम कई भाषाएं जानते हो, एंड यू आर इन ए सोसाइटी वेयर पीपल नो ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज दैट सोसाइटी इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। मोनो यानी एक, लिंगुअल का मतलब भाषा वाले, एक ही भाषा वाले समाज में आप रहते हो और आप कई भाषाएं जानते हो, देन यू विल हैव टू स्ट्रगल टू लिव देयर, टू गेट अलोंग, उनके साथ रहना, उनके साथ रहने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल डोंट लाइक अदर लैंग्वेज देन देयर फर्स्ट लैंग्वेज, वॉट एवर देयर प्राइमरी लैंग्वेज दे ओनली लाइक दैट लैंग्वेज, एंड दे विल नॉट लाइक दैट एनी बडी टॉक अदर लैंग्वेज। एंड सच हैपन्ड, ऐसा कहाँ हुआ, अमरीका में हुआ, सच हैपन्ड इन USA. In the USA, when an effort was made to speak Spanish language, then people opposed it. Here the language is English only. So such a condition can arise with you, या any person who knows many languages. तो समस्या आ सकती है वो जहाँ एक भाषा जानने वाले वहाँ। Second point, there might a lack of skilled educator to teach other language. Now, suppose you want to be a multilingual person. दूसरी जानते भाषा सीखना है तुमको. Then, nowadays it is, thank God that online sources are available, internet available, and that can help you to learn other language. But in a town or in a small village, there are neither skilled educator nor internet connection. Then you cannot learn other language. That is a trouble to be a multilingual. And third point, it requires complete immersion in the language to be effective. Third point, when a person want to learn other language, then it is very difficult for a older person. Children can learn many languages because they have no primary language. They can learn second and third language. But for older person who are habitual of that primary language, it is very difficult to learn other language due to their habitual life, routine life. They have to merge in the language. उनको उसमें डूबना पड़ता है उस भाषा को सीखने के लिए। इसलिए बच्चे तो सीख जाते हैं, बड़े नहीं सीख पाते, बिकॉज जो प्राइमरी लैंग्वेज उनकी प्रधान लैंग्वेज है उसमें इतने हैबिचुअल हो जाते हैं दे कैनॉट लीव दैट। एंड फोर्थ, स्टडिंग ए न्यू लैंग्वेज कैन शिफ्ट द फोकस ऑफ स्टूडेंट।
Suppose in a school there are many languages are taught. That school is multilingual school. Then other languages are taught. Then students' focus will be shift to learn the new language, and they will ignore the core subject. Core का मतलब chief subject, मुख्य विषय. मुख्य विषयों को सीखना छोड़ देंगे. मैथ्स को, साइंस को पढ़ना और नई भाषा सीखने में लग जाएंगे. देयर माइंड विल बी शिफ्टेड टू लर्न न्यू लैंग्वेज एंड दे विल इग्नोर द कोर सब्जेक्ट दैट इज द चीफ सब्जेक्ट एंड दे विल देयर परफॉर्मेंस विल बी वीक. फिफ्थ पॉइंट इज मल्टीलिंगुअलिज्म. मल्टीलिंगुअल पर्सन कैन लेड टू ए फ्यूअर रिलेशनशिप. ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज नॉट लाइक्ड बाय ए जनरल पर्सन. क्या लोग क्या कहेंगे, ये तो डेड होशियार है, इसलिए उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहेगा. ही वुड हैव ए लेड टू ए फ्यूअर रिलेशन. फ्यूअर का मतलब बहुत कम उसके संपर्क में लोग आना चाहेंगे. पीपल हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेज आर रिगार्डेड डिफरेंटली बाय सोसाइटी. सोसाइटी उनको अलग तरह से देखती है, ओ ये तो विद्वान है भाई, ठीक है. तो दे डोंट लाइक टू मेक फ्रेंडशिप विथ सच पर्सन. सो ही इज जस्ट लाइक आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ जाता है. सिक्स, योर पेरेंट्स यूज द सेकेंडरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, देन यू फील ट्रबल. इफ योर फैमिली इज मल्टीलिंगुअल फैमिली एंड योर ऑल मेंबर्स नो द अदर लैंग्वेज बट यू डोंट नो, देन फॉर प्राइवेसी योर पेरेंट्स कम्युनिकेट इन द सेकेंडरी लैंग्वेज एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, देन यू फील ट्रबल. परिवार के लोग तो कई भाषा जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते हो, और कुछ बातें ऐसी होती है किसी और को मालूम नहीं हो प्राइवेसी के लिए, तो वो सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बच्चा परेशानी महसूस करता है. यू विल फील ट्रबल्ड व्हेन योर पेरेंट्स यूज सेकेंडरी लैंग्वेज. प्राइमरी यानी प्रधान लैंग्वेज, सेकेंडरी मतलब सेकेंड लैंग्वेज. नाउ सेवेंथ पॉइंट, यू कैन स्टार्ट मिक्सिंग डिफरेंट लैंग्वेजेज. सपोज यू नो मैनी लैंग्वेजेज, यू आर मल्टीलिंगुअल पर्सन. यू आर मल्टीलिंगुअल पर्सन मीन्स यू नो मैनी लैंग्वेज, मोर देन वन लैंग्वेज. एंड एवरी लैंग्वेज यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, बहुत अच्छे हो उसमें सब भाषाओं के. देन वॉट हैपन देन वैन यू आर स्पीकिंग टू सम पर्सन, अदर लैंग्वेज ऑल्सो मिक्स अप इन योर स्टेटमेंट इन योर कम्युनिकेशन एंड अदर पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड यू. तुम बोलते बोलते दूसरी भाषा का प्रयोग करने लग जाओगे, शब्दों को डाल दोगे, आगे वालों को समझ में ही नहीं आएगा. दैट विल बी क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर द मल्टीलिंगुअल पर्सन. दिस इज ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नो मल्टीपल लैंग्वेज हाउ विल यू फील ट्रबल इन मोनोलिंगुअल सोसाइटी. मोनोलिंगुअल सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू, दे विल नॉट लाइक दैट सेकेंडरी लैंग्वेज शुड बी यूज. जस्ट लाइक इन USA सम पर्सन ट्राई टू स्पीक स्पेनिश, दैट वॉज अपोज्ड. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन स्टडिंग न्यू लैंग्वेज शिफ्ट द फोकस ऑफ स्टूडेंट. इफ इन ए स्कूल देर इज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड स्टूडेंट्स आर टॉट अदर लैंग्वेज ऑल्सो, देन सम स्टूडेंट्स विल इग्नोर द चीप सब्जेक्ट. इग्नोर का मतलब अवहेलना करना, नहीं ध्यान देना, तो वो खुद खास सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दे करके नई भाषा सीखने लग जाते हैं, देन देयर परफॉर्मेंस विल बी वीक, तो उनका ध्यान शिफ्ट हो जाता है. And what are the demerits of multilingualism? This is whole my lecture. Thank you. Have a nice day, my dear people teachers.